कई शहरों में इलाज के दौरान बदतमीजी पर उतरे कोरोना के संदिग्ध जमाती। गाजियाबाद के बाद कानपुर के अस्पताल में भी मेडिकल स्टाफ परेशान। कानपुर में कोरोना के संदिग्ध मरीज वार्ड में थूक रहे हैं, एक ही बेड पर बैठकर सोशल डिस्टेंसिंग का उड़ा रहे हैं मजाक। डॉक्टर की जांच से भी कर रहे हैं इनकार। कोरोना संकट पर पीएम मोदी की अपील। 5 अप्रैल को रात 9 बजे घर की लाइट बंद कर बालकनी में आकर 9 मिनट तक दिया, मोमबत्ती या मोबाइल की फ्लैशलाइट जलाने की अपील। साथ ही में दी हिदायत, कहा दिया जलाते वक्त सोशल डिस्टेंसिंग की लक्ष्मण रेखा ना तोड़ें। असदुद्दीन ओवैसी ने तबलीगी जमात में शामिल लोगों की कोरोना वायरस से मौत पर दिया विवादित बयान, मृतकों को बताया शहीद। बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने ट्वीट किया ओवैसी के बयान का वीडियो। माइकराम ने फरमा दिया कि जो मुसलमान हजरात की मौत होती है इसमें, ये शहीद कहलाते हैं। देश में कुल 2301 कोरोना वायरस के पड़ित 157 लोगों ने जीती कोरोना से जंग। कोरोना पॉजिटिव के इलाज के बाद हुए स्वस्थ। कोरोना संकट में प्रधानमंत्री ने खेल की हस्तियों से की बातचीत। सौरव गांगुली, सचिन तेंदुलकर, युवराज सिंह, पीवी संधू से की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत।